हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बेटा नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तो ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सपोज कीजिए कोई चार्ज है स्मॉल क्यू और इसको आपने किसी प्लेस पे रखा हुआ है, तो चार्ज क्यू के सराउंडिंग में इतना फील्ड जहां तक वो किसी स्मॉल चार्ज पर फोर्स लगा पाए, द फील्ड अराउंड अ चार्ज स्मॉल क्यू इन दैट फील्ड क्यू कैन एग्जर्ट फोर्स ऑन क्यू नॉट, देन दैट फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इस फील्ड को क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा, द फील्ड अराउंड चार्ज क्यू इन विच इट कैन एग्जर्ट फोर्स ऑन क्यू नॉट। एंड वॉट इज क्यू नॉट, इट इज बेसिकली टेस्ट चार्ज। ये जो क्यू नॉट है बेटा, ये क्या होता है, ये टेस्ट चार्ज होता है। The field around a charge small q in which it can exert force on q naught, and q naught is what, test charge। बेटा test charge क्यों बोलते हैं, बेटा ये imaginary charge है, it is an imaginary charge which is used to calculate the strength of other charge। बेटा ये एक imaginary charge है जो दूसरे charges की strength निकालने के लिए इस्तेमाल होता है, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। बेटा इसको क्यों सपोज किया गया, ताकि हम कोई भी छोटे से छोटा चार्ज उस पर फोर्स लगाए, उस फोर्स को कैलकुलेट करके हम उसका जो स्ट्रेंथ है वो पता कर पाएं। और जो स्ट्रेंथ हम किसी चार्ज स्मॉल क्यू का जो मेजर करते हैं, उस स्ट्रेंथ को नापने का जो तरीका होता है वो होता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या तरीका होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, तो ये है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, है ना, इसकी डेफिनेशन। अब बेटा नेक्स्ट चीज जो आती है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बेटा ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। सपोज एक चार्ज q ने दूसरे चार्ज q नॉट पर फोर्स एग्जर्ट किया f, कितना फोर्स एग्जर्ट किया बेटा f, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ स्मॉल q is given by E equals to F upon Q naught। मतलब आप जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, जो चार्ज फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे बेटा, तो फॉर्मूला होगा E equals to F upon Q naught। What is Q naught? That charge which experience the force। ये वो चार्ज है जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, और जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं उसी का फोर्स हम उसमें फॉर्मूले में यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम क्वांटिटी है क्या, तो समझ लीजिएगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, द रीजन अराउंड अ चार्ज स्मॉल क्यू इन विच इट कैन एग्जर्ट द फोर्स ऑन क्यू नॉट। तो जो रीजन है, जो फील्ड है, जो एरिया है, जो स्पेस है, उसको तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, लेकिन जो इंटेंसिटी है, जो फोर्स है, तो उस फोर्स को पर यूनिट जो टेस्ट चार्ज है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। ये प्रॉपर्टी है, ये मेजर हो सकती है, लेकिन ये रीजन है, इसको मेजर नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है बेटा, वो होती है न्यूटन पर कूलाम, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है, एंड द डायरेक्शन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसकी जो डायरेक्शन है वो सेम है, जैसा कि डायरेक्शन किसका होता है बेटा, फोर्स का डायरेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस पर बोर्ड में कुछ क्वेश्चंस आते हैं,
पहले वो क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा, फिर इसके बाद इसका एनालिसिस करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछता है बेटा, ये जो न्यूटन पर कूलाम है, पूछता है विच क्वांटिटी हैविंग यूनिट न्यूटन पर कूलाम, विच क्वांटिटी हैविंग यूनिट न्यूटन पर कूलाम, इज इट अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, विच क्वांटिटी हैविंग यूनिट न्यूटन पर कूलाम, इज इट अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो आप बताएंगे न्यूटन पर कूलाम is the unit of electric field intensity, Newton per coulomb is the unit of electric field intensity। कुछ बच्चे इसका आंसर electric field लिख देते हैं जो गलत है, इसका आंसर क्या होता है बेटा, electric field intensity। और ये कैसी quantity है बेटा, vector, it is a vector quantity, it is a vector quantity। ये बेटा पहला question हुआ, ठीक है। दूसरा question क्या होता है बेटा, दूसरा question आप देखते हैं कि सपोज आपका फॉर्मूला है E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट। बेटा ये क्वेश्चन था कि न्यूटन पर कूलाम है ना, डिफाइन दैट क्वांटिटी विच हैविंग यूनिट न्यूटन पर कूलाम, इज इट अ वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी। तो आपने आंसर लिखा न्यूटन पर कूलाम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी बता चुके हैं कैसी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर है और इसका जो डायरेक्शन है वो फोर्स के डायरेक्शन में है। अभी यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बनता है बेटा कि सपोज कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपने लिखा E इक्वल एफ अपॉन क्यू नॉट, सपोज आपने यहाँ पर क्यू नॉट नहीं लिखा, एफ अपॉन क्यू लिखा, तो आप यहाँ पर एक ऐसा कांस्टेंट लिमिट क्यू टेंड्स टू जीरो क्यों यूज करते हो? इफ़ यू आर राइटिंग फार्मूला E इक्वल एफ अपॉन, आइदर यू आर राइटिंग फार्मूला E इक्वल एफ अपॉन क्यू नॉट, और इफ यू आर राइटिंग E इक्वल एफ अपॉन क्यू, देन वाई यू हैव टू राइट लिमिट क्यू टेंड्स टू जीरो, ये आप क्यों लिखते हैं? तो आप ध्यान से समझिएगा, क्यू नॉट इज टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज क्या होता है बेटा, इट इज ऑलरेडी अ स्मॉल चार्ज ऑन विच अ वेरी स्मॉल चार्ज कैन एग्जर्ट फोर्स। लेकिन यहाँ पर हमने एक जनरल चार्ज लिखा है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये स्मॉल चार्ज है? तो उसको स्मॉल चार्ज दिखाने के लिए हमने यूज किया लिमिट क्यू टेंड्स टू जीरो। अब आप ये समझिएगा कि ये जो चार्ज होता है जो अपॉन में आता है वो स्मॉल क्यों होता है? ये चार्ज स्मॉल इसलिए होता है, दिस चार्ज मस्ट बी स्मॉल सिंस वी आर मेजरिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अदर चार्ज। हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो नाप रहे हैं वो किसी दूसरे चार्ज की नाप रहे हैं, तो जिस पर फोर्स काम कर रहा है That charge must be very very small, वो चार्ज इतना छोटा होना चाहिए कि वो अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना लगा पाए, तभी हम उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्यूरेटली नाप पाएंगे। तो इसलिए ये जो स्मॉल क्यू है ये इतना छोटा होना चाहिए कि इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो वो ज़ीरो हो, तभी इसकी जो इंटेंसिटी है वो नहीं होगी और जो दूसरे चार्ज की हम इंटेंसिटी नाप रहे हैं वो हम एक्यूरेटली मेजर कर पाएंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2011 में भी आया हुआ है बोर्ड में, उसके बाद भी कई बार रिपीट हुआ है, why we are writing limit q tends to 0 in formula E equal limit q tends to 0 f upon q, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, आप ध्यान से देखिएगा, आप लिखते हैं E is equals to f upon q naught, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं f equals to q naught times of E। क्या लिख सकते हैं बेटा, F इक्वल क्यू नॉट टाइम्स ऑफ E। अगर बेटा सपोज कीजिए जनरल, ये तो टेस्ट चार्ज का फॉर्मूला था, अगर इन जनरल हम फॉर्मूला लिखना चाहें तो इन जनरल E इक्वल F अपॉन Q है, तो हम लिख सकते हैं F इक्वल्स टू Q इंटू E। बेटा अगर ये जो चार्ज है स्मॉल Q, अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये प्लस QE आएगा और अगर नेगेटिव होगा तो माइनस क्यू ही आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, दोनों में प्लस माइनस साइन कंसिडर नहीं करते, लेकिन ये जो चार्ज आ रहा है इसमें प्लस आएगा तो प्लस लेंगे और माइनस आएगा तो माइनस लेंगे। तो आपसे जो क्वेश्चन है, अभी तो ये तो हम आपको फॉर्मूला बता रहे थे, अभी जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है आप ध्यान से समझिएगा। इसने बोला इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर टू पार्टिकल्स विच एंटर इन सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, जो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर हो रहे हैं, तो आपको बताना है कि क्या उनका फोर्स सेम होगा और आपको बताना है क्या उनका एक्सेलरेशन सेम होगा। तो सबसे पहले केस में आपसे पूछा गया है फोर्स,
तो बेटा फोर्स का फॉर्मूला होगा, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स होगा वो होगा F इक्वल्स टू माइनस क्यू ई, और जो प्रोटॉन पर फोर्स होगा वो होगा F इक्वल्स टू प्लस क्यू ई। तो अगर आप ध्यान से देखें तो प्रोटॉन का चार्ज कैसा है बेटा, पॉजिटिव है, उस पर फोर्स होगा प्लस क्यू ई, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा है बेटा, नेगेटिव है, तो फोर्स होगा माइनस क्यू ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो चार्ज है वो सेम होता है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। अगर प्रोटॉन पर लग रहा है प्लस एक्स डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रॉन पर लगेगा माइनस एक्स में, क्योंकि प्लस माइनस का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। सिमिलर अगर F इक्वल्स टू क्यू ई है तो उसके इक्वल रख देंगे एम ए, तो यहाँ से अगर हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो इट विल बी क्यू ई अपॉन एम। यहाँ से अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, हम जानते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन छोटा होता है मास ऑफ प्रोटॉन से, सो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बड़ा होता है एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन से। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर हो रहे हैं तो उस पर कितना फोर्स होगा, तो आप बताएंगे फोर्स सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी, लेकिन एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा, एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होगा कंपेरेटिवली प्रोटॉन के। इसके बाद बेटा और भी एक दो क्वेश्चन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पर बनते हैं, वो आप ध्यान से देखिएगा, है ना, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को आगे हम इसको आगे जो है और स्टडी करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक और क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है, मान लीजिए इस तरीके से बेटा दो प्लेट्स हैं और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, न्यूमेरिकल है वैसे तो, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। इसने हमसे बोला कि सपोज एक प्रोटॉन है और ये फ्री फॉल में ऐसे नीचे फॉल हो रहा है, ठीक है बेटा, ये फ्री फॉल में ऐसे गिर रहा है नीचे नेगेटिव की तरफ, कह रहा है टाइम ऑफ फॉल बताइए, क्या निकालना है बेटा, टाइम ऑफ फॉल निकालना है, और ये जो डिस्टेंस आपको गिवन है ये डिस्टेंस डी गिवन है, क्या गिवन है बेटा, डी गिवन है, तो बाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये जो आप फॉर्मूला है इसको आप जानते हैं s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब देखिए इसने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया वो d है, ठीक है बेटा, डायग्राम से अगर आप देखें तो s इक्वल कितना बेटा d, और इनिशियल वेलोसिटी जब प्रोटॉन गिरना चालू हुआ था कितनी वेलोसिटी थी बेटा, जीरो थी, और अगर आप एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो आप जानते हैं f इक्वल क्यू ई और f इक्वल ma होता है, तो यहाँ से a निकालेंगे तो इट विल बी क्यू ई अपॉन m, ये इक्वेशन वन ले लेते हैं, इक्वेशन टू ले लेते हैं, इन सबको मिला करके तो टू इन वन जब हम पुट करेंगे इक्वेशन टू इन वन तो आपके पास आ जाएगा s इक्वल s की जगह पर d आ गया इक्वल्स टू जीरो प्लस हाफ इट इज क्यू ई अपॉन m इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से अगर आप t निकालेंगे तो अंडर रूट टू डी एम अपॉन क्यू ई दैट इज योर टाइम, ठीक है बेटा, ये किसका टाइम आ गया बेटा, इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का, जिसका भी आप निकालना चाहें उसका टाइम है, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में चार्ज सेम होता है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो टाइम है मास पे डिपेंड करेगा, मास प्रोटॉन का ज़्यादा है तो यानी प्रोटॉन गिरने में समय भी ज़्यादा लेगा, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस पर है। इसके बाद और भी क्वेश्चंस हम देख सकते हैं, जैसे और देखिएगा ध्यान से और इसको समझिएगा, देखिए मान लीजिए आपसे बोले कि सपोज एक बॉल है, ये दूसरी बॉल है, इस पर चार्ज है स्मॉल क्यू, है ना बेटा, और इस पर भी चार्ज है स्मॉल क्यू, डिस्टेंस आर है और ये नीचे फॉल हो रही है, इसका वेट है mg, तो ये जो नीचे वाली बॉल है वो उसको ऊपर फोर्स लगाएगा इसके वेट को बैलेंस करने के लिए, तो हम जानते हैं F इक्वल्स टू ये फोर्स mg होना चाहिए और जो फोर्स लग रहा है वो QE होगा, अगर ये Q1 Q2 हो जाए तो जिस पर फोर्स लगता है Q2 और जो फोर्स लगाता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो Q2 into E is equals to M into G। अभी आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा, मास पूछेगा या कुछ भी पूछे तो आप इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है बेटा, एनसीईआरटी में एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें रेडियस पूछा है, रेडियस निकालिएगा,
ठीक है, एडिशनल का फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा। तो कैसे निकालना है रेडियस, यहाँ पर Q2 भी गिवन नहीं है, तो Q2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में आप निकाल सकते हो। Q2 ऐसे आ जाएगा, और जब Q2 आ जाएगा इंटू ई इज इक्वल्स टू, ठीक है बेटा, तो मास को आप लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, यहाँ से आप रेडियस फाइंड कर सकते हैं। ये बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ऐसे काफ़ी क्वेश्चन आप है ना कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद बेटा एक और एग्जांपल देखिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इसको आप ध्यान से देखिए, और कोई क्वेश्चन अगर समझ में ना आए तो आप दोबारा पूछेंगे उसको, ठीक है। तो ये बेटा ये सेकेंड इसका न्यूमेरिकल का टाइप हो गया, पहला टाइप ये था, सेकेंड टाइप ये था, बाकी कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। इसके बाद बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में आपसे पूछ सकता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार जेई में भी आया था। क्वेश्चन क्या बेटा, मान लीजिए एक पेंडुलम है, ये पेंडुलम है और इस पर एक चार्ज है बेटा स्मॉल क्यू, और आपसे बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ऐसे है, ई है ना बेटा, डायरेक्शन ऐसे है, तो बताइए इसका टाइम पीरियड क्या होगा, व्हाट इज द न्यू टाइम पीरियड। तो आप जानते हैं इसका वेट कहाँ काम कर रहा होगा बेटा, नीचे mg, और आप जानते हैं जो ऊपर होगा कितना फोर्स होगा बेटा, QE, F equals to QE, तो जो नेट फोर्स होगा बेटा वो कितना होगा, नेट फोर्स डाउनवर्ड होगा, नहीं तो ये ऊपर उठ जाएगा, तो डाउनवर्ड कितना फोर्स होगा बेटा, mg minus QE। तो ये जो नेट फोर्स है, यहाँ से अगर हमें नेट एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो ये हो जाएगा बेटा g minus QE by m, ये नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा g माइनस क्यू ई बाई एम। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला पेंडुलम का जानते हैं, t इक्वल्स टू टू पाई रूट आपका था l अपॉन g, तो यहां से हो जाएगा बेटा 2 पाई अंडर रूट l, l ही रहेगा और g की जगह ये आ जाएगा बेटा g माइनस क्यू ई बाई एम, g माइनस क्यू ई बाई एम। इसका दूसरा कंडीशन हो सकता है, बोले कि ये पेंडुलम है लेकिन अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नीचे और mg भी नीचे, तो जो टाइम पीरियड हो जाएगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g प्लस qe बाई m, g प्लस qe बाई m। और अगर आपसे बोल दे कि मान लीजिए पेंडुलम ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और बेटा g ऐसा है, तो उस बार इनका रिजल्टेंट चाहिएगा, तो g डैश अंडर रूट हो जाएगा बेटा, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा तो g स्क्वायर प्लस qe by m का होल स्क्वायर। तो टाइम पीरियड में इस बार फॉर्मूला आ जाएगा बेटा t इक्वल टू पाई रूट l बाई g स्क्वायर प्लस qe by m का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, और इसका क्या है बेटा अंडर रूट, सॉरी g स्क्वायर प्लस qe अपॉन m का स्क्वायर, और इसका क्या है बेटा अंडर रूट, मतलब इस पूरे की पावर है 1/2। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इट इज ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल, है ना बेटा। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फैक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आप इसके ध्यान से देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो नॉर्मली आपसे पूछे जा सकते हैं और जिसको आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं बेटा फैक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फैक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा पहला फैक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो बेटा इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, मान लीजिए एक चार्ज है स्मॉल क्यू, एक चार्ज है बेटा क्यू नॉट डिस्टेंस आर, इसने फोर्स लगाया बेटा एफ, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्यू का वो हो जाएगा बेटा एफ अपॉन क्यू नॉट, इक्वेशन वन। आप जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है बेटा, क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो वो हो जाएगा बेटा एफ अपॉन क्यू नॉट, क्यू नॉट से डिवाइड कर दीजिए तो इट विल बी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इट इज आर कैप। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसके बाद बेटा इसमें जो फॉर्मूला आ सकता है वो आ सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की टर्म्स में, है ना बेटा। ये कैसे होता है ध्यान से देखिए। देखिए अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपने पढ़ा, E इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं E वेक्टर इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन आर, और वी कैन राइट E वेक्टर इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4πε0 आर क्यूब इंटू आर कैप। इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की टर्म्स में वैल्यू रखेंगे तो इट इज आई ई एक्स प्लस जे ई वाई प्लस के ई जेड इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा बेटा क्यू अपॉन 4πε0। और अगर आर की वैल्यू आप रख दें, देखिएगा आर की वैल्यू अगर आप रखें एक्स आई वाई जे जेड के, तो आर का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा इट विल बी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। देखिए क्यूब पहले से और रूट यहाँ से आया तो 3/2, और यहाँ पर आया बेटा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब दोनों तरफ आई कैप जे कैप और के कैप वाले कंपोनेंट को इक्वेट करने पर इस इक्वेशन से आ जाएगा बेटा ई एक्स इक्वल्स टू, ये आ जाएगा बेटा क्यू एक्स अपॉन 4πε0 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। सिमिलर ई वाई इक्वल्स टू क्यू वाई अपॉन 4πε0 इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। और इसी तरह से बेटा आ जाएगा ई जेड इक्वल्स टू इट इज क्यू जेड अपॉन 4πε0 इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। ये हो गया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, है ना बेटा। इसमें थर्ड जो फैक्टर आता है, थर्ड फैक्टर जो आता है, जैसे आपने वहां पर पढ़ा था कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आप याद कीजिएगा आपके पास तीन टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थे, पहला था लाइन चार्ज, दूसरा था बेटा सरफेस चार्ज, और तीसरा था बेटा वॉल्यूम चार्ज। और जो लाइन चार्ज था इसका फोर्स आपको याद होगा df या f इसको बोल सकते हैं इक्वल्स टू q नॉट अपॉन 4πε0 इट इज लेमडा dl अपॉन r स्क्वायर। जो सरफेस चार्ज था इसका फोर्स था बेटा q नॉट अपॉन 4πε0 इट इज सिग्मा dA अपॉन r स्क्वायर। और जो वॉल्यूम चार्ज था इसका फोर्स था बेटा q नॉट अपॉन 4πε0 इट इज रो dv अपॉन r स्क्वायर। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हमको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा एफ अपॉन क्यू नॉट, तो तीनों को क्यू नॉट से डिवाइड करने पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज हो जाएगा बेटा क्यू नॉट अपॉन 4πε0, यहाँ से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन 4πε0 इट इज लेमडा dl अपॉन r स्क्वायर। और दूसरे का हो जाएगा बेटा 1 अपॉन 4πε0 इट इज सिग्मा dA अपॉन r स्क्वायर। और यहाँ से हो जाएगा बेटा 1 अपॉन 4πε0 इट इज रो dV अपॉन r स्क्वायर। ये बेटा इसका कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, है ना, ये इस तरीके से फैक्टर हो जाता है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़े से इंफॉर्मेशन है। अब नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग, और नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल।